प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। छात्र हितों में अभिभावक और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के संदर्भ में स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 66 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियाँ थी वो उनमें ढील हुई है और कई जगह पे जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें कमी आई है, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीज़ों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके, और जो भी छात्र शिक्षक और अभिभावकों के हित में निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं दिनेश शर्मा जी, क्या अब हमारे दर्शक और जो खास तौर पर छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो ये माने कि आपकी सरकार अब पीएम के फैसले के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर पुनर्विचार करेगी? नहीं, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश से हमने जो पहले भी निर्णय लिया था उसमें भी हमने साफ कहा है, अगर आपके आपके टेलीविजन चैनल पर भी मैं बोला था और उसमें मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि स्थितियां सामान्य होने पर ही उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएगी, और हमने 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 11वें और 10वें में हमने प्रमोशन की व्यवस्था करी थी, और अब केवल 12वीं की परीक्षा जो कि पूरे भारतवर्ष में तमाम प्रदेशों ने अपनी राय दी थी कि 12वीं की परीक्षा की मांग एक तरफ उठी है कि उसमें कई उच्च संस्थानों में उसकी आवश्यकता पड़ती, इस प्रकार के संदर्भ सामने आ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर स्थितियां सामान्य होंगी तो हम परीक्षा को जो 12वीं की परीक्षा है उसको कराने पर हम जुलाई माह में हम इसका इसमें विचार करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां जिन परिस्थितियों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है, हम निश्चित रूप में उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थितियों का परीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने अधिकारियों को लेकर बैठेंगे और जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। हाँ, क्योंकि देश भर में लोग चाहेंगे एक यूनिफॉर्मिटी रहे, सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम्स रद्द हो गए और बोर्ड यूपी बोर्ड अलग अलग राज्य अलग अलग फैसले अपनाएंगे तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी, लेकिन क्या तरीका क्या अपनाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि मानक बनाए जाएंगे कि कैसे बच्चों के अभी, अभी, मार्किंग किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा भी कोई निर्णय 12वीं कक्षा के बारे में वो क्या करेंगे, अंकों के अंकन के बारे में क्या निर्णय लेंगे उन्होंने तय नहीं किया है, उनका फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है इसलिए भी फार्मूले का प्रश्न नहीं उठता। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। दसवीं कक्षा में क्या फार्मूला हो सकता है उसमें दो तीन विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और हमने तमाम जो डाटा थे, तमाम पिछले जो रिकॉर्ड्स थे उनको हमने अपलोड किए हैं, और जल्दी ही हमने एक कमेटी बनाई है जो हमारे बोर्ड की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है उनमें किस प्रकार से हम दसवीं कक्षा के छात्र को प्रमोशन देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कमेटी हमको इसी हफ्ते रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग दसवीं को प्रमोशन देंगे। यदि 12वीं कक्षा के बारे में हमारा कोई निर्णय जल्दी से होता है पुनर्विचार के बाद, यहाँ की स्थितियों का आकलन करने के बाद, तो हम भी सीबीएसई का भी फार्मूला तैयार हो रहा है, हम भी जल्दी से जल्दी फार्मूला को तय करने की तरफ जाएंगे जब हमारा कोई निर्णय होगा। अभी हमारा निर्णय जो हुआ था वो स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षाओं को 12वीं की परीक्षा को कराने के संदर्भ में था, बाकी को हमने प्रमोशन दे दिया है पहले ही, हमारे प्रमोशन हो चुका है। लेकिन दिनेश जी आप भी इस राय के होंगे कि एक समानता देश में होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो और हमारी राय पहली राय यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है कि छात्रों का अभिभावकों का और शिक्षकों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है और हम उनके सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और दूसरा हम किसी को जबरदस्ती तनाव युक्त वातावरण में परीक्षा दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये जो उनकी मनोभावना है निश्चित रूप से उस मनोभावना का मनोभावना स्वागत योग्य है और उसको हम ये विचार योग्य है, और हम लोग ने कहा इसी संदर्भ में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद हम अपने निर्णय जल्दी निर्णय लेने की तरफ बढ़ेंगे। ये
क्योंकि आप लोगों ने पहले तैयारी की थी अभिभावकों के लिए खास तौर पर टीकाकरण का कार्यक्रम, तो किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए सरकार कदम उठा रही है? अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो टीकाकरण का लक्ष्य हमें रखा है वो हमारा लक्ष्य चलता रहेगा। परीक्षा देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी, हमारे शिक्षकों को टीकाकरण आवश्यक है, हमारे विद्यार्थियों को टीकाकरण आवश्यक है, कर्मचारियों को टीकाकरण आवश्यक है। तो ये सुरक्षा जो है, जीवन की सुरक्षा है, वो हम कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, ये आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है हमने। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है, 1 करोड़ टीके हम केवल जून में लगा रहे हैं। और आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पे हमने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है, सभी जिलों में हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष की मुहिम है उसको हम किस प्रकार से और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, इसके सारे विकल्पों हम विचार कर रहे हैं। तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया कि बच्चों को और तनाव में, वैसे ही महामारी